यह आदमी अपने नौकरानी के साथ गलत नजर से देखता है और उनको टच करने का प्लान भी करता है और उनको ऐसा जाल में फंसाने का प्लान करता है। तो उनको बोलता है कि आज मालकिन गए हैं बाहर और तुम पूरा दिन काम करते हो और थकती भी हो, तुम रेस्ट करो, हम दोनों आज पार्टी करेंगे। तब वो दोनों कोल्ड ड्रिंक पीने का प्लान करते हैं और वो आदमी कोल्ड ड्रिंक में दवाई डालता है और उनको पीने के लिए दे देता है और वो पीने के बाद वो बेहोश हो जाते हैं। और आगे क्या हुआ वो जानने से पहले हे भगवान, जो भी मेरे वीडियो पर लाइक करेगा सब्सक्राइब करेगा उनको हमेशा खुश रखना, उनके माता पिता को भी हमेशा खुश रखना। और दोस्तों ये आदमी नौकरानी को बेडरूम में ले लेता है और उनके कपड़े निकालता है और सेक्स करना शुरू कर देता है। और सेक्स करने के बाद वो नौकरानी बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद मालिक को बोलते है तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। तब वो दोस्तों मालिक बोलता है उसमें बुराई क्या है, सेक्स सभी लोग करते हैं। और नौकरानी बोलते है तुम पर मैं कंप्लेंट कर दूंगी। ऐसे लोगों को तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि ये दोनों की नई नई शादी हो जाती है और ये लड़का बहुत उत्सुक हो जाता है सुहागरात बनाने के लिए और लड़के को होता है कि कब मैं टपाटप कर दूं और लड़के करने लगते हैं मनाई, लेकिन लड़की ही फंस जाते मनाई करके। और वो सब देखने से पहले हे भगवान, जो भी मेरे वीडियो पर लाइक करेगा एक बार सब्सक्राइब करेगा उनको हमेशा खुश रखना और उनके माता पिता को भी हमेशा खुश रखना। और वो लड़की उठ के बाहर आ जाते और देखते उनके पति को, तो उनका कारनामा देखो उनके पति का। इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अपने पति को रोको मत टपाटप करने, नहीं तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हो जाएगा और आप लोग देखते रह जाओगे। लड़के के लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसे लोगों को तो जिंदा ही काट के फेंक देना चाहिए, मुझे नहीं लगता ऐसे लोग हमारे समाज में रहने चाहिए। क्योंकि ये भाई साहब के दुकान में एक लड़की आ जाती है और उनको एक ड्रेस पसंद आ जाता है और ये भाई साहब बोलता है वहाँ पर जाकर चेंज करो और लड़की बाथरूम में आ जाती है और चेंज करना शुरू कर देती है और बाहर से वो लोग सब कुछ देख लेते हैं। दुकानदार और नौकर वो बहुत खुश हो जाते हैं कैसी लड़की चेंज करते है वो सब देख, लेकिन इन दोनों को पता नहीं रहता कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। और वो सब देखने से पहले जो भी मेरे वीडियो पर लाइक करेगा कमेंट करेगा उनका भोलेनाथ का हमेशा आशीर्वाद रहेगा। तब लड़की बाहर आ जाती है और बोलते बहुत अच्छा कपड़ा है ये। तब भाई साहब उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और भाई साहब लड़की के पास पैसा मांगता है, तुम मुझे पैसा दो नहीं तो आपको बर्बाद मैं कर दूंगा क्योंकि हम दोनों ने आपका नंगा वीडियो शूट कर लिया है। और लड़की उनके सामने हाथ जोड़ना शुरू कर देते है कि ऐसा मत करो मेरे साथ। भाई साहब मोबाइल में वीडियो शुरू कर देता है देखने के लिए क्योंकि ये लड़की को पहले से ही पता रहता है कि भाई साहब का काला धंधा शुरू है। और भाई साहब के जोरदार से एक थप्पड़ मार देते हैं और बोलते हैं कि मैं इस एरिया की IPS हूं और मेरे ही साथ ऐसा ही छल। लोग ऐसी कारनामा करते हैं कि सबके सामने देख के लाइक हो जाता है। ये देखो भाई साहब गाड़ी के पीछे लड़की को हिला रहा है, ऐसा क्या कर रहा है ये भाई साहब। वो सब देखने से पहले हे भगवान, जो भी मेरे वीडियो पर लाइक करेगा सब्सक्राइब करेगा उनको हमेशा खुश रखना, उनके माता पिता को भी हमेशा खुश रखना। और ये भाई साहब लड़की को पकड़ के बोलता है कि जल्दी जल्दी करो हमें टायर खोलना है। और लड़की बहुत कोशिश करते है टायर खोलने की लेकिन उनको नहीं खोल पाता। तब भाई साहब ही ट्राई करने लगता है। और वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर से एक बार लाइक कर देना। यहाँ पर एक भला लड़का आ जाता है चाय पीने के लिए, लड़की बिना सोचे समझे उसको एक थप्पड़ मारते हैं और लड़की बोलते है मेरा चाय गिरा देता। तो तब लड़की ने ऐसा कारनामा किया किसी ने सोची ना होगी। आखिर आगे क्या हुआ वो जानने से पहले बहुत सारे यूट्यूबर अपनी माँ की कसम देते हैं प्लीज यार ऐसा मत करो और मेरे चैनल को दिल से सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकते हो। तब लड़का सोचता है बिना सोचे समझे मुझे एक थप्पड़ मारे है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आगे क्या हुआ वो खुद देखो, ऐसा धमाका फोड़ा कि चाय हिला डाली और लड़का बोलता है बिना सोचे समझे मारने का यही नतीजा है। और वीडियो देखकर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। ये लड़की का कारनामा देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये लड़की इतने सारे पेड़ नहीं उठा सकती, लेकिन इस लड़की की मेहनत देखकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि ये लड़की नहीं उठा सकती तो लाइक करें और उठा सकती है तो कमेंट करें और दोनों भी कर सकते हैं तो सब्सक्राइब करें। लेकिन ये लड़की इतनी हिम्मतदार होते हैं कि लकड़ी उठा ही लेते हैं। और आप लोगों को भी ऐसा पहले लगा होगा तो जोर से एक बार लाइक कर देना।